हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल स्पोर्ट्स लवर हिंदी में। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे गेंदबाज की जिसने अपने दम के ऊपर संघर्ष से लड़कर आज क्रिकेट दुनिया के एक बड़े खिलाड़ियों में उभर रहा है। दोस्तों, ये कहानी है सौराष्ट्र के तेज गेंदबाज चेतन सरकारिया ने। चेतन सरकारिया ने आज राजस्थान रॉयल्स की ओर से IPL में डेब्यू किया। अपना पहला IPL मैच खेल रहे सरकारिया ने टीम की ओर से गेंदबाज की शुरुआत की और शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 बड़े विकेट लिए। उन्होंने अपने दूसरे ही ओवर में मयंक अग्रवाल का विकेट चटकाकर पहले से ही सफलता हासिल की। इसके बाद पारी के अंतिम ओवर में उन्होंने पंजाब किंग्स के कप्तान KL राहुल और रिचर्डसन को चलता किया। सरकारिया ने 4 ओवर में कुल 31 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इस दौरान उनकी इकोनॉमी 7.75 रही। गेंदबाज के साथ उन्होंने बेहतरीन फील्डिंग की भी और की और निकोलस पुरन का शानदार कैच भी पकड़ा। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.2 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन यहां तक पहुंचने का सरकारिया का सफर बेहद कठिन था। शुरुआत से ही चेतन और उनके परिवार ने आर्थिक तंगी देखी, लेकिन चेतन ने अपने सपनों में किसी चीज को रुकावट बनने नहीं दिया। तो दोस्तों, चलिए नजर डालते हैं उनकी इस पूरी जिंदगी कारण। टेम्पो चालक थे चेतन के पिता और घर में नहीं था टीवी। दोस्तों, चेतन के पिता गुजरात के बतरेंज में एक टेम्पो चालक थे। हालांकि 2 साल पहले उन्होंने काम छोड़ दिया था। यही नहीं, आपको जानकर हैरान होंगे कि चेतन के घर में 5 साल पहले तक टेलीविजन तक नहीं था, जिसकी वजह से चेतन मैच देखने के लिए अपने दोस्त के घर जाया करते थे। चेतन के बचपन से लेकर अब तक का संघर्ष सिखाता है कि अगर आप किसी मुकाम तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो फिर आपको रास्ते में कोई बाधा नहीं हो सकती है। दोस्तों, चेतन के छोटे भाई राहुल ने इस साल जनवरी महीनों में आत्महत्या कर ली थी। इस वक्त चेतन शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे थे और उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। वहीं जब चेतन घर वापस आए तब भी उसे कोई दिन बाद उनके परिवार वालों ने इस बारे में नहीं बताया था। चेतन कहते कि अगर आज उनके भाई साथ होता तो वो काफी खुश होता। चेतन के साथ जो हुआ उसका दर्द वो और उनके घर वालों के अलावा कोई समझ सकता नहीं है। दोस्तों, दुनिया को गेंदबाजी का दमखम दिखाने के तैयार। पिछले साल IPL 2020 में UAE में खेला गया था, जहां चेतन बतौर नेट गेंदबाज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ वहां गए थे। अपनी गेंदबाजी से उन्होंने बैंगलोर के कोचिंग स्टाफ साइम कटिच और माइक हसन को काफी प्रभावित किया था। चेतन का कहना है कि अब उन्हें पैसे मिलेंगे तो किसी अच्छे कॉलोनी में घर खरीदेंगे। भले ही चेतन ने अब तक काफी दुख देखे, लेकिन अब दुनिया की अपनी गेंदबाजी का दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इस कहानी को सुनकर अगर आपको अपने बारे में कभी इस कहानी को अगर तो दोस्तों अगर इस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना एक लाइक। तो आप चेतन सरकारिया के लिए कर देना। भाई के मौत के बाद और घर के आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने IPL में प्रदर्शन किया, खुद को अपने ड्रीम की तरफ आगे बढ़ के ले गए, वो सभी यंगस्टार के लिए एक मोटिवेट बनते रहे। आप सभी से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय दोस्तों।